वहीं पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर सिरोही में बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की, साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। तो वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि पंजाब के बठिंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और साथ ही साथ पूरे देश में अब एक अलग सियासी बहस शुरू हो गई है। तो वहीं राजस्थान में भी बीजेपी के विभिन्न संगठनों ने इस घटना का विरोध दर्ज कराते हुए कांग्रेस और पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के खिलाफ पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला में एक अलग राजनीतिक रंग देखा जा रहा है, जहां एक तरफ संपूर्ण कांग्रेस इसे बीजेपी का दुष्प्रचार मान रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे एक बहुत बड़ी चूक माना है और पंजाब सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के इस्तीफे की भी मांग कई जगह से उठाई जा रही है।